फसलें जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? दाल, उसे दलहन कहते हैं। ऐसी फसलें जिनसे हमें दाल दाल मिलती है उसे दलहन कहते हैं। अब दाल को तुम सब लोग खाते हो ना, प्रोटीन से भरपूर होती है और अधिकतर क्या होती है? फलीदार होती है। जैसे मटर की दाल है, अरहर की दाल है, खेत में सब लोग देखे हो ना, फली होती है ना, और सब में क्या होती? फली होती है। फली के अंदर वो दालें होती हैं, ठीक ना। तो दालें क्या है? प्रोटीन से भरपूर है, फलीदार है, और लेग्यूमिनेसी कुल की है, मतलब इनकी जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम ये क्या करते हैं? जो हमारे धरती पे डालते हैं ना वायुमंडल में, जो धरती के ऊपर वायुमंडल है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है पौधे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। इसी नाइट्रोजन को ये जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं? स्त्रीकरण करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? स्त्रीकरण। नाइट्रोजन स्त्रीकरण करके इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते हैं, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। इनकी दाल की जो जड़ें होती हैं, अरहर की है, मटर की, जिनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन उसको किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। उसके बाद ही पौधे उसको ले पाते हैं, ठीक ना। अब देखो तीन प्रकार की होती है ना फसलें, रबी की, खरीफ की और जायद। तो ये दालें जो है तीनों प्रकार की फसलों के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी दालें रबी में आती हैं और कौन कौन सी खरीफ में और कौन कौन सी जायद में? जान लो, रबी में अरहर आएगी, देखते हो ना जाड़े को आती है, वैसे तो साल भर लगभग रहती है। चना आएगी और मटर, मटर और मसूर, देखियो खेत में ना जाड़े में चना बोया रहता है। रबी की फसल जाड़े के आसपास बोई जाती है और गर्मी में लगभग काटी जाती है। मटर भी देखते हो जाड़े में, मसूर कम हो सकता है वो आती है। मसूर को आती है तुम लोग के आसपास? यस मैम, वो आती है ना। यस मैम। तो ये सब रबी की फसल में क्या क्या आएगा? अरहर, चना, मटर, मसूर। खरीफ की फसल में सोयाबीन आएगा, मूंग, उड़द और लोबिया। लोबिया, लोबिया, ठीक ना। जायद में सोयाबीन, मूंग, उड़द आएगा अगर सिंचाई की सुविधा हो, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है जायद के समय गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है तो सिंचाई चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखो विश्व में भारत का दाल में जो है वो प्रथम स्थान है, और जितना मतलब उत्पादन अधिक करता है भारत जो है सबसे अधिक दाल उत्पादन करता है, सबसे अधिक उपभोग भी करता है, मतलब जितना उपभोग उत्पादन करता है उतना उपभोग भी कर लेता, आयात भी करवाता है दालें और बाहर से मंगवाता भी है। अब इधर देखो मानचित्र में राजस्थान जो है भारत में वो दाल उत्पादन में प्रथम है, कभी राजस्थान रहता है कभी मध्य प्रदेश रहता है, लेकिन इस समय कौन प्रथम है दाल में? राजस्थान। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, राजस्थान प्रथम स्थान में है, किसमें? दाल। अब देखो एमपी जो है वो दाल उत्पादन में इस समय द्वितीय स्थान पे, कभी कभी फर्स्ट भी आता है, द्वितीय स्थान पे, चना में फर्स्ट है और सोयाबीन में फर्स्ट है। महाराष्ट्र थर्ड स्थान पे है, कितने स्थान पे है? और अरहर की दाल महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है, अरहर की दाल सबसे अधिक होती है। उसके अलावा जो यूपी है हमारा वो चौथे नंबर पे है, ठीक ना, और कर्नाटक पांचवे नंबर पे है। और दाल के लिए जो किसी भी प्रकार की मिट्टी उपजाऊ, बिना उपजाऊ भी कैसे भी प्रकार की मिट्टी चलेगी, इसमें वर्षा इसको कम चाहिए, 100 सेंटीमीटर से कम भी रहेगी तो वर्षा काम चल जाएगा। राजस्थान में हो रहा है, यहाँ पानी कम होता है, एमपी में भी इधर उधर के क्षेत्र में पानी कम होता है, तो यहाँ भी दाल अच्छी होती है, मेहनत भी कम पड़ती है, अरहर एक बार बो तो कब तक चलती है, आराम से पेड़ की तरह खड़ी रहती है ना। अन्य फसलों के लिए ये जो है इसको फसल चक्रण के लिए भी दालों को उगाया जाता है, जैसे रबी की फसल बोया उसके बाद वहां दाल लगा दिया, क्या लगा दिया? दाल। तो उसमें क्या हो जाएगी, मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त हो जाएगी, जो हम लोग नाइट्रोजन यूरिया चाहे डीएपी डालते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी या पड़ेगी तो कम पड़ेगी। तो इसको फसल चक्र के लिए भी उपयोग करते हैं, किसको? दालों को, ठीक।